हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हमने NTSC की सीरीज शुरू की है, रीजनिंग की, मैट की, जिसमें हमारा टारगेट है 100 out of 100। अगर आप हमारा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप NTSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमने रीजनिंग एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम रीजनिंग के सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। कुछ वीडियो हम बना चुके हैं और कुछ वीडियो हमारी आगे आएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष रहने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कथन और निष्कर्ष, उसको हम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमें कमेंट आते रहते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे कमेंट भी करते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी कमेंट करते हैं। तो एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक को आप क्यों ज्वाइन करें, आप सोचेंगे कि उस ग्रुप में हम क्यों जाएं, क्योंकि जैसे ही NTSC का एग्ज़ाम आएगा तो उससे कुछ दिन पहले हम उसमें एक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री रहने वाली है। बच्चा घर बैठे उसके अंदर बिल्कुल फ्री में अपने मॉक टेस्ट दे सकता है और उसका रिजल्ट भी उसको ऑनलाइन साथ के साथ मिल जाएगा। तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि उसमें जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो पूरे का पूरा NTSC का उसमें पैटर्न रहने वाला है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं हम, कथन निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। तो इसमें बहुत बच्चों को डिफ़िकल्टी रहती है, बड़े इसमें कुछ ये सारे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न रहती है। तो लेकिन मैं आपकी कन्फ्यूज़न आज इसमें बिल्कुल दूर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी इसके अंदर परेशानी नहीं होगी, या फिर ये कहते हैं ना, इसमें परेशानी तो नहीं होती स्टूडेंट्स को, लेकिन सोचने में बिल्कुल सेम सा लगता है, कन्फ्यूज़न होती है, क्या रहती है, ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। तो उसी आंसर को हम अब कैसे अपने बिल्कुल सटीक आंसर जो हमारा है उस तक पहुंचें, तो आपको हम आइए शुरू कराते हैं कथन और निष्कर्ष। इसमें मेनली 5 जो केसेस हैं वो होते हैं, मेनली इसके अलावा भी केसेस कुछ बनते हैं, लेकिन इन ये 5 केसेस ऐसे हैं जो कॉमन रहते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इनके अंदर इनकी जो डायग्राम बनते हैं उनको वेन डायग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम वेन डायग्राम। तो उनकी जिस बच्चे की सही वेन डायग्राम बन जाती है, समझ लो उसने क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लिया है और उसका आंसर भी बिल्कुल सही आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ऑल बुक्स आर पेन, यानी कि सभी किताबें पेन हैं। अब बताइए जितनी भी किताबें हैं, सबसे पहले यहां से चलते हैं हम, देखें कैसे ऑल बुक्स, यानी कि हम यहां पर क्या बनाएंगे, एक सर्कल जिसमें हम लिखेंगे बुक्स। अब उसने क्या कहा है, ऑल बुक्स आर पेन, तो पेन का जो सर्कल रहेगा वो इससे बड़ा रहेगा कि जितनी भी हमारी बुक्स हैं वो क्या है, सारी की सारी पेन, यानी कि पेन पेन्स और भी हैं लेकिन जो बुक्स हैं वो सारी की सारी क्या है, पेन, यानी कि जो बुक्स का जो हमारा सर्कल है वो पेन के सर्कल के अंदर बनेगा। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। और अगर हम इसको रिवर्स में देखते हैं, देखिए यहां पर क्या, ऑल बुक्स आर पेन, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इसका रिवर्स चलें, ऑल पेन्स आर बुक, यहां से डायग्राम से पता लगता है कि नहीं, पेन का जो स्पेस है, यानी कि पेन तो बहुत ज्यादा है, बुक्स कम है, तो यानी कि जिसका रिवर्स है वो बिल्कुल यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए आगे नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा केस कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सम बुक्स आर पेन्स, कुछ किताबें पेन हैं, कुछ हम क्या करेंगे, ऐसे हमने बनाना है बुक्स। अब उसमें से कुछ, यानी कुछ हिस्सा क्या है, पेन्स, तो ये हमारा जो हिस्सा है, ये जो हमारा कथन है, कहते हैं कि जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेन डायग्राम है वो कैसा बनेगा, सम यानी कि कुछ, यानी कि बुक्स का जो कुछ हिस्सा है वो पेन है, यानी कि कुछ बुक्स जो है वो पेन है। अगर हम इसको रिवर्स में देखते हैं कि सम पेन्स आर बुक्स, अब जो सम पेन है वो भी बुक्स है ना, यानी कुछ पेन किताबें भी हैं, तो इसके अंदर हमारे दोनों के दोनों रिवर्स भी और डायरेक्ट भी बिल्कुल सेम है, इसके अंदर दोनों एप्लीकेबल है, यानी कि दोनों यहां पर राइट बनते हैं हमारे। अगर हम थर्ड की बात करते हैं,
नो बुक इज पेन, यानी कि कोई भी बुक यानी कि कोई भी किताब पेन नहीं है, तो इसमें क्या बनेगा वेन डायग्राम? यहां पर तो बुक बनेगी और यहां पर बनेगा पेन, रिलेशन ही नहीं है कोई भी। और ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई पेन किताब नहीं है, भी सही है। तो इसके अंदर भी हमारे दोनों केसेस, जो दोनों स्टेटमेंट अगर हम इसको रिवर्स स्टेटमेंट करके देखते हैं, वो भी हमारा इसमें सही है। तो आइए हम देखते हैं अपना फोर्थ, सम बुक्स आर नॉट पेन, सम बुक्स आर नॉट पेन। अगर हम यहां से देखें कि सम बुक्स आर पेन, अब सम बुक्स आर नॉट, ये भी तो यहां पर देखिए, यहां पर सेम है बिल्कुल कि सम बुक्स आर पेन और सम बुक्स आर नॉट पेन, तो इसका जो वेन डायग्राम है वो बिल्कुल एक जैसा बनने वाला है, ऐसे, क्योंकि कुछ है और कुछ नहीं भी है, दोनों है ना बिल्कुल। इसमें देखो कि कुछ किताबें पेन नहीं है, तो यहां देखें कुछ किताबें नहीं है ना, तो कुछ हो भी तो सकती है, इसका एक मतलब यह भी है कि कुछ हो भी सकती है। आगे देखते हैं हमारा फिफ्थ केस, सम बुक्स आर पेन बट नॉट चेयर, यानी कि कुछ किताबें पेन हैं लेकिन चेयर नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसमें हमारे दो वेन डायग्राम बनेंगे, कैसे समझाता हूं मैं आपको। सम बुक्स आर पेन, देखो सम यहां पर यही वाला है ना, बिल्कुल ऐसे बनेगा, यहां पर बुक्स, यहां पर पेन्स, है ना। फर्स्ट हमने फर्स्ट को किया था, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को कि सम बुक्स आर पेन्स, यानी कि कुछ किताबें पेन है बट नॉट चेयर, लेकिन चेयर नहीं है, क्या चेयर नहीं है? बुक्स। तो यहां पे ऐसे बन सकता है, यहां पर लिख सकते हैं हम चेयर्स, एक तो इसका ये डायग्राम है हमारा, लेकिन एक डायग्राम और बन सकता है, वो कैसे बन सकता है? स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हमारा वही रहेगा बिल्कुल कि सम बुक्स आर पेन्स, हमने बनाया ऐसे, लेकिन आगे क्या है? बट नॉट चेयर, क्या चेयर नहीं है? बुक्स। लेकिन सम बुक्स आर पेन्स बट नॉट चेयर्स, यहीं पे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करेंगे। सम बुक्स आर पेन बन गया, बट नॉट चेयर, लेकिन चेयर नहीं है, कौन? बुक्स। लेकिन पेन की तो कोई बात ही नहीं हुई, तो पेन तो चेयर हो सकता है ना यहां पर, तो जो पेन है हमारा तो हम वहां पे लिख ऐसे सर्कल कर सकते हैं चेयर्स का। उसने कहा था कि सम बुक्स आर पेन्स बट नॉट चेयर, लेकिन चेयर नहीं है, लेकिन पेन की तो बात नहीं हुई ना, पेन तो चेयर हो सकता है ना यहां पर, तो हमारे दो डायग्राम बनेंगे। और ये हमें कैसे पता लगेगा ये डायग्राम बनेंगे, कौन सा डायग्राम हमें बनाना है? वो हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी उसके अनुसार हमें ये वेन डायग्राम अपने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें एक ही बात, ये एक ही उसमें लाइन नहीं लिखी होगी, एक स्टेटमेंट नहीं होगी, उसके अंदर एक स्टेटमेंट और भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो ये हमारे फाइव केसेस रहते हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन NTSC में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको अगर समझ आ गया हो अच्छे से, और अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें आपको कहाँ पे कन्फ्यूज़न रहती है, तो हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेशल वो कि जो NTSC में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। और एक वीडियो हमारी आज की ये रहेगी कंक्लूजन और स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स पे, और फिर एक नेक्स्ट वीडियो हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आइए आज देखते हैं इस वीडियो के क्वेश्चंस। ये NTSC 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी को करते हैं कि हमारा जो पैटर्न रहने वाला है वो बिल्कुल NTSC ही चलेगा यहाँ पर। तो स्टेटमेंट से सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सम फ्रूट्स आर मैंगो, सबसे जैसे ही स्टेटमेंट आपको दिखे वैसे उसका वेन डायग्राम बनाएं। जैसे सम फ्रूट्स आर मैंगो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था,
कि सम, जब सम की बात हो तो उसका कुछ हिस्सा कहां पे चला जाएगा, मैंगोज में, किसका, फ्रूट्स का, फ्रूट्स, और सम जो उसका पार्ट है वो क्या है, मैंगोज, कि सम फ्रूट्स आर मैंगो। देखो इसका वेन डायग्राम बन चुका है, सम फ्रूट्स आर नॉट गुआवा। अब देखें कि सम फ्रूट्स आर नॉट गुआवा, तो यहां पर हम उसका डायग्राम बना सकते हैं गुआवा का, हमारा गुआवास नहीं है, क्या सम फ्रूट्स आर नॉट गुआवास, इनकी कुछ जो फ्रूट्स सॉरी सम फ्रूट्स आर नॉट गुआवा, यानी कि कुछ फल जो है वो अमरूद नहीं है। पहले में क्या था, कुछ फल आम है, दूसरे में क्या है कि कुछ फल अमरूद नहीं है। तो देखो हमारा जो वेन डायग्राम है वो बन चुका है, सम फ्रूट्स आर मैंगो हम बना चुके हैं, सम फ्रूट्स आर नॉट गुआवा, यानी कि सम फ्रूट्स ये कुछ भी यानी हिस्सा वो गुआवा का नहीं है, मैंने बताया तुम्हें। कि अब देखो यहां पर क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो मैंगो है, गुआवास सम मैंगो भी हो सकते हैं। अब देखो यहां पर ऑल मैंगोज गुआवा नहीं हो सकते, क्यों, अगर ऑल मैंगोज की बात करेंगे तो उसमें फ्रूट भी कवर हो जाएगा, और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सम फ्रूट्स आर नॉट गुआवा, ठीक है। तो देखिए ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, कंक्लूजन क्या है, हमें आंसर कहां से देना है, ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, यहां पर हमें दिखता है कि ऑल फ्रूट्स आर मैंगो है, क्या सभी फल जो है वो आम है, नहीं, तो ये जो हमारा कंक्लूजन है ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, क्या ऑल मैंगोज फ्रूट है, इसकी तो हमें यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारे कंक्लूजन थे वो सिर्फ इस डायग्राम के ऊपर ही बने हुए थे कि ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स, और यहां ये भी नहीं है कि यानी कि दोनों की दोनों जो है हमारी ट्रू नहीं है, यानी कि रॉन्ग है। तो ओनली वन इज ट्रू, टू बोथ आर ट्रू, एंड डी क्या है, बोथ आर नॉट ट्रू। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बोथ आर नॉट ट्रू। तो ऐसे ही सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे, और देखो एनटीएससी 2016 में इसी लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, वो आपको करवाया है, क्योंकि आपने जब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया, तो आपको क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि इतना आसान क्वेश्चन, और जिसमें हम इतना कंफ्यूज रहते थे। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनटीएससी से है, देखते हैं क्वेश्चन एनटीएससी 2017 में आया हुआ है, कथन क्या है, यानी कि स्टेटमेंट क्या कहती है कि नो हॉर्स इज डॉग। तो हाँ मैंने कहा था कि जैसे ही आपने कोई भी कथन या फिर स्टेटमेंट आपने रीड की है तो उसका वेन डायग्राम बना दो। नो हॉर्स इज डॉग, हॉर्स अलग रहेगा और डॉग हमारा अलग रहेगा, डॉग अलग, क्योंकि उसमें कहा है कि नो हॉर्स इज डॉग। अब सेकंड वे चलते हैं, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, यानी कि जितने भी डॉग हैं, जितने भी कुत्ते हैं, वो सारे के सारे हाथी हैं। तो यानी कि वो मैंने बताया था कि जब ऐसे बात आए कि सारे सभी, तो जो नेक्स्ट होगा उसकी जो वो सर्कल बनेगा वो बिल्कुल उसके ऊपर बनेगा। तो ये रहा हमारा हाथी, एलिफेंट यहां पर, कि ऑल डॉग्स आर एलिफेंट। तो निष्कर्ष यानी कि अब हमारा कंक्लूजन देखते हैं हम, क्या है, नो एलिफेंट इज डॉग, इनकी कोई भी हाथी जो है वो कुत्ता नहीं है। लेकिन यहां ऐसा तो नहीं है, कुछ हाथी जो है वो कुत्ते तो हैं, क्योंकि ये उसके बीच में बना हुआ है, इनकी सम डॉग्स आर एलिफेंट, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि नो एलिफेंट इज डॉग, कि नो एलिफेंट, कोई भी हाथी जो है वो कुत्ता नहीं है। लेकिन यहां पर ये बात हमारी गलत है, ऐसा तो नहीं है, वो तो है। सम एलिफेंट्स आर डॉग, यही तो बात की अब हमने कि सम एलिफेंट्स आर डॉग, इनकी कुछ जो हाथी हैं वो कुत्ते हैं। तो यानी हमारा जो सेकंड है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा सेकंड इसमें आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकंड इज ट्रू, तो हमारा आंसर बनेगा बी। तो ये एनटीएससी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखते हैं फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एनटीएससी 2017 में आया हुआ है। तो इसका कथन यानी कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि ऑल पेंसिल आर पेन, वेन ग्राम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं हम, यानी कि सभी पेंसिलें जो हैं वो पेन हैं, सभी पेंसिलें, पेंसिल रहेगी हमारी अंदर, यानी कि ऑल पेंसिल आर पेन, यानी कि जो सर्कल बनेगा पेन का वो इससे बड़ा बनेगा,
ऑल पेंसिल आर पेंस। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, ऑल पेंस आर मार्कर, यानी कि जितने पेन, सभी पेन जो है वो क्या है, मार्कर है। तो पेन है, पेन से ही बड़ा सर्कल किसका बनेगा, हमारा मार्कर का। ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं निष्कर्ष, यानी कंक्लूजन पे आते हैं हम। ऑल पेंसिल आर मार्कर, देखते हैं भाई, ऑल पेंसिल्स आर मार्कर, यस, क्योंकि जब पेन ही सारे मार्कर्स हैं और ये तो इसके अंदर है कि जो इसके अंदर है वो बिल्कुल, यहां पर ऑल पेंसिल्स आर मार्कर, ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। यहां पर इसको हम निशान लगा देते हैं कि ये हमारा ट्रू है। सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन, अब देखो सम पेन पेंसिल, यस, क्योंकि यहां पे देखते हैं कि जितनी पेंसिल है वो तो पेन है, लेकिन अगर इसका रिवर्स देखते हैं कि सम, इसका कुछ पार्ट जो है, पेन का जो कुछ पार्ट है वो पेंसिल भी है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो हमारा कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो भी हमारा ट्रू है। तो हमारे दोनों यहां पर ट्रू है, तो हमारा आंसर रहेगा बोथ आर ट्रू, आंसर रहेगा सी। तो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीएससी 2017 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं कि सम किंग्स आर क्वीन, बनाते हैं यहां पर कि सम किंग्स, यहां पर हमारे किंग्स और सम किंग्स आर क्वीन, ये जो पार्ट है ये हमारा वेन डायग्राम ये दिखाता है कि यहां पर सम किंग्स आर क्वीन, और बिल्कुल उसका रिवर्स भी दिखाता है कि सम क्वींस आर किंग्स। तो आगे चलते हैं, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, यानी कि जितनी भी क्वींस है वो सारी क्या है, ब्यूटीफुल। तो कैसे बनेगा उसका, यहां से बनेगा ऐसे, ये क्या बनेगा हमारा ब्यूटीफुल, क्वीन तो होती ही ब्यूटीफुल है, क्वीन तो ब्यूटीफुल ही होती है। तो अभी हमारा जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो देखते हैं कि ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, ऑल किंग्स नहीं, सम, सम तो लिखते तब तो सही था क्योंकि हमने पूरे का पूरा क्वीन को कवर करना था तो उसके अंदर किंग्स भी कवर थे, तो ऑल किंग्स नहीं, ये हो सकता कि सम किंग्स आर ब्यूटीफुल, पर यहां पर क्या कि ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, नो, ये हमारा रॉन्ग है। ऑल क्वींस आर किंग, क्या ऑल क्वींस आर क्वीन है, नहीं, मैंने बताया था कि सम क्वींस आर किंग है लेकिन ऑल क्वींस आर किंग नहीं है, तो हमारा सेकंड भी रॉन्ग है, ये भी हमारा ट्रू नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, बोथ आर नॉट ट्रू, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं क्योंकि ये एनटीएससी 2017 में पहले आ चुका है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन ये एनटीएससी 2017 में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें कंक्लूजन के अंदर ही मिलेंगे, जो स्टेटमेंट के कंक्लूजन के क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास। तो देखिए, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी एंड सी इज 43 ईयर, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एल्डेस्ट वन, यानी कि हमें सबसे बड़ा जो है उसको फाइंड करने के लिए इन ये दो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन सी सफिशियंट है हमारे लिए, या वन इज सफिशियंट, टू इज सफिशियंट, वन एंड टू आर रिक्वायर्ड, या दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, या फिर वन एंड टू बोथ आर नॉट रिक्वायर्ड, तो हमें दोनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब एवरेज एज दी हुई है और हमें यह नहीं पता कि एल्डेस्ट कौन है, तो सब बड़ा कौन है, तो इसका मतलब यह है कि हमें ये तो हो नहीं सकता कि दोनों की जरूरत ना पड़े, लेकिन अभी देखते हैं इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, एक की पड़ेगी, दो की पड़ेगी, वो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तब हमें पता लगेगा। एज ऑफ, सबसे पहले टोटल एज जोन की, ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों की एवरेज जो एज है, यानी कि जो एवरेज एज है वो कितना है, 43, अगर हम टोटल एज निकालते हैं, ये इनकी एवरेज एज है 43, टोटल कैसे निकालेंगे, 43 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 3 पर्सन है हमारे पास, तो टोटल कितनी आएगी, 120 ईयर्स,
129 ईयर्स, ये टोटल है। तो हमें सबसे बड़े की बतानी है कि हमारे पास कौन सी इनमें से स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड कौन सी हमें चाहिए, तो वो हमें देखना है अभी। तो सबसे बड़ा, अब ये देखें हमारे पास सी की कितनी एज है, सी की एज है 65। उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है अगर हम यहीं से माइनस करते हैं इसको, 4, 6। अब भी देखिए ये जो दोनों की एज बचती है वो कितनी बचती है, 64। अब देखो ये 65 पहले इन दोनों का एज का जो टोटल है उससे भी ज्यादा है, यानी कि जो सी है वो ही सबसे बड़ा है, क्योंकि ए और बी जो उसका टोटल है एज का वो तो 64 है, यानी कि हमारे पास एज ऑफ सी इज 65 ईयर। तो हमें सिर्फ जो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है वो ही सफिशेंट है हमारे पास एज निकालने के लिए, किसकी, सबसे बड़े बड़ा कौन है वो निकालने के लिए, हमें सेकंड की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए, यानी वन इज स्टेटमेंट वन इज सफिशेंट। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन भी हमें इसमें पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल बिल्डिंग्स आर चौक एंड सेकंड स्टेटमेंट है नो चौक इज टॉफी। तो हम जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़े तो उसको वेन डायग्राम बनाना उसका शुरू कर दें। फिर ऑल बिल्डिंग्स आर चौक, तो सबसे पहले क्या बनेगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स आर चौक, यानी कि वो सर्कल उसका बड़ा बनेगा, यानी ऑल बिल्डिंग्स आर चौक, नो चौक इज टॉफी। तो ना तो चौक टॉफी है ना बिल्डिंग, सो सिर्फ कोई भी नहीं है, वो बिससे उससे अलग बनेगा, जो टॉफी का जो सर्कल है वो बिल्कुल अलग बनेगा, ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। अभी हम निष्कर्ष अपना कंक्लूजन देखते हैं, नो बिल्डिंग इज टॉफी। अब देखें बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है, हाँ ये बिल्कुल हमारी स्टेटमेंट जो सा कंक्लूजन है ये राइट है। तो ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग, ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग, नो सम चॉक्स आर बिल्डिंग, क्योंकि जो जितनी बिल्डिंग्स है वो तो चौक हैं, लेकिन चौक उससे कुछ ज्यादा है, वो पूरे के पूरे चॉक्स बिल्डिंग नहीं है। अगर वो ये कहता कि सम बिल्डिंग्स आर चौक तो फिर यहां पर ये ट्रू था, लेकिन अभी क्या है, सम ऑल चॉक्स आर बिल्डिंग नो, तो ये हमारा ट्रू नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, सिर्फ वन, यानी कि ओनली वन इज, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है इसके अंदर। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन के, यानी कि कथन और निष्कर्ष हिंदी में, अगर आप इनको जान पाते हैं तो, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो उनके पास आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। तो इस वीडियो में हमारा यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़े कुछ और हार्ड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। लेकिन आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो कैसे मिलेगी, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही हम नई वीडियो डालेंगे तो आप तक वो जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा इस वीडियो का पार्ट 2।